गर्मियों की छुट्टी में अपनी कार से रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं? ऐसे में कार की सेफ्टी पर थोड़ा गौर जरूर कर लें। दरअसल ज्यादा टेम्परेचर में गाड़ियों में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में कई बार व्हीकल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम से खुद को सेफ रखने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस मामले पर लोकल 18 ने प्रदीप ढालिया से खास बातचीत की है। ये पिछले 25 साल से मोटर मैकेनिक का काम कर रहे हैं। प्रदीप के मुताबिक आमतौर पर गाड़ियों में गलत वायरिंग की वजह से ज्यादा दबाव पड़ता है और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। इसके अलावा फ्यूल लीकेज, सीएनजी किट में खराबी के चलते भी ऐसे हादसे होते हैं। प्रदीप जी, आप कितने वर्षों से ये मोटर मैकेनिक लाइन में हैं? जी करीब मुझे 10 साल इस वर्कशॉप को चलाते हुए हो गए हैं। तो मेरी फादर की वर्कशॉप है, तो उनको करीब 36 ईयर हो चुके हैं इस वर्कशॉप को चलाते हुए। प्रदीप जी, आजकल गाड़ियों में आग लगने की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है, क्या इसके पीछे आप मुख्य कारण देखते हैं? जी, आजकल जो गाड़ियों में आग लगने का सबसे मुख्य कारण एक तो ये है कि एक तो वायरिंग बहुत गाड़ी के अंदर आने लगी है और कई बार वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, और लोग कई बार जो बिना ऑथराइज डीलर होते हैं उनके पास काम कराने पहुँच जाते हैं, जिससे वो लापरवाही के कारण बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आग लगने के चांस बन जाते हैं। और भी क्या कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे? कई बार सर्विस कुछ लोग नहीं करवाते हैं उस कारण भी। जी जी, कई बार क्या होता है कि लोग टाइम बचाने के चक्कर में जो रोड पे लोग बैठे हुए होते हैं, वर्कशॉप चला रहे हुए होते हैं, उनको उनसे गाड़ी ठीक करा लेते हैं। ऐसा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोगों को प्रॉपर जो वर्कशॉप है वहाँ पर जाना चाहिए, और टाइम टू टाइम हर 3 महीने के अंदर अंदर गाड़ी को चेक कराना चाहिए। जैसे फ्यूल की जो लीकेज है, पेट्रोल की लीकेज वगैरह, वो प्रॉपर चेक कराते रहना चाहिए। जो सीएनजी की फिटमेंट है वो अप्रूवल जिन लोगों को मिला हुआ है वर्कशॉपों को, उन्हीं से वो अप्रूवल लोगों से ही सीएनजी किट को फिट कराना चाहिए। एक सलाह और एक संकेत क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर आपकी गाड़ी झुलसने वाली है या कुछ गड़बड़ बड़ी होने वाली है तो उससे पहले वो संकेत मिल जाते हैं? जी जी, कई बार जब गाड़ी में कोई नुकसान हो, ये आग जनी लगने के जब चांस में कि उसमें गाड़ी में इग्निशन लाइट जल जाती है कई बार, और उससे मतलब गाड़ी मिसिंग करने लगती है, झटके देने लगती है, साथ साथ गाड़ी में जो चलने की परफॉर्मेंस है वो बहुत अजीब सी हो जाती है, तो गाड़ी संकेत पहले ही करने लगती है। गाजियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। हमारे एक्सपर्ट ने अन्य कई जानकारी भी दी है, चलिए सुनते हैं। गाजियाबाद में कई प्रकार की हाई राइज सोसाइटी है, कई तरीके की सोसाइटी बनी हुई है, ऐसे में एक नागरिक को क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी सोसाइटी में और किस तरीके से उसे पता होना चाहिए कि ये फायर सेफ्टी के अंदर आती है? देखिए, जो भी 15 मीटर से ऊपर की सोसाइटीज़ हैं उन सभी में फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं, उन गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आपका बिल्डिंग चाहे बिल्डर के अंडर हो या RW के अंडर हो, उनको रेगुलर मॉक ड्रिल्स करते रहना चाहिए। डिपार्टमेंट से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट भी रेगुलर अभियान चला के मॉक ड्रिल्स कराता है, इवैक्यूएशन ड्रिल कराता है, फायर फाइटिंग ड्रिल कराता है, जिसमें कोई भी छोटी घटना है उसको स्वयं सोसाइटी के निवासी ही कंट्रोल कर लें, जिससे कोई बड़ी घटना ना बन पाए। इसलिए इसको रेगुलर तौर पे हमें मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट मॉक ड्रिल्स करवाता है लेकिन वहाँ पे उतनी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं जितना होना चाहिए। इसलिए अगर कभी भी आपके यहाँ मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज होती है तो सभी लोगों को आना चाहिए। इसके बाद हम लोग को प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर घटनाएँ आज के टाइम में शॉर्ट सर्किट से हो रही हैं, और शॉर्ट सर्किट की घटनाएँ हम लोग स्वयं जागरूक होकर रोक सकते हैं। जैसे घर में ज़्यादातर मल्टीप्लग का उपयोग हो रहा है, जो प्लग की कैपेसिटी 5 एम्पियर है वहाँ पे 30 से 35 एम्पियर हम लोग करंट ड्रॉ करते हैं, या हम कोई इक्विपमेंट हमारा TV लगातार चलता रहता है, हम मेन स्विच से ना बंद करके ऐसे ही चलाते रहते हैं, छोड़ देते हैं उसको चलता हुआ, AC जब उपयोग में ना हो उसको मेन स्विच से बंद कर दें, चिमनी जो आपकी इलेक्ट्रिकल चिमनीज होती हैं उनकी समय समय पर सर्विस कराते रहें, MCB RCCB या ELCB का उपयोग करें अपने घर में। लोकल 18 गाजियाबाद से विशाल की रिपोर्ट।